फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड्स के रेंज अलग अलग तरह के रेंज होते हैं, यानी एक ही फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू वाले होते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सीजीपीएम ने एसआई प्रीफिक्सेस को इंट्रोड्यूस किया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एसआई प्रीफिक्सेस के बारे में। टुडेज टॉपिक इज एसआई प्रीफिक्स, एस आई प्रीफिक्सेस। एस आई प्रीफिक्सेस की बात क्यों उठी? क्योंकि दी मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज वैरी ओवर अ वाइड रेंज। अलग अलग रेंज के वैल्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लें कि फिजिकल क्वांटिटीज के जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो इसमें एक पहला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन, इसके बीच का टू प्रोटॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज ऑफ दी ऑर्डर ऑफ यानी किस रेंज के हैं ये, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-15 मीटर के ऑर्डर के हैं। यानी दो प्रोटॉन्स के बीच की जो दूरी होती है एक न्यूक्लियस के अंदर वो 10^-15 मीटर के ऑर्डर की होती है। जबकि एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं लेंथ का ही, तो एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेंथ का लें तो कौन सा लें, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ए क्वाजार, एक जो क्वाजार है तारे का एक समूह है उसकी जो रेंज है वो कितने के करीब की है, वह रेंज है करीब करीब 10^26 मीटर की ऑर्डर का। बहुत ही बड़ी एक क्वांटिटी हो जाती है एसआई सिस्टम मीटर में। उसी तरह से एक तीसरा एग्जाम्पल अगर हम मास का लें तो हम देखते हैं कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितने के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10^-31 किलोग्राम, यानी बहुत ही छोटा मास है, 10^-31 किलोग्राम के ऑर्डर का मास होता है इसका, एक इलेक्ट्रॉन का। जबकि अगर हम एक चौथा एग्जाम्पल लें मास का ही, इसका रेंज क्या है, तो हम कह सकते हैं दी मास ऑफ आवर गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है उसका मास किस ऑर्डर का है, 2.2 × 10^41 kg, 10^41 kg के ऑर्डर का हमारी गैलेक्सी का मास है। तो हम देख रहे हैं कि लेंथ तो वही है, कौन सा लेंथ, अगर न्यूक्लियस के अंदर चले जाएं तो दो प्रोटॉन्स के बीच की दूरी 10^-15 मीटर की है। जबकि हम अगर अर्थ से बाहर जाएं तो हमारे अर्थ से जो नियरेस्ट क्वाजार है उसकी बीच की दूरी किस ऑर्डर की है, 10^26 मीटर की है। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 10^-15 मीटर से लेकर 10^26 मीटर तक का। इसी तरह से मास का एग्जाम्पल लें तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर है
टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, और कहाँ तक जाता है, जाता है 10^41 किलोग्राम तक जाता है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड का रेंज बहुत ही छोटे से बहुत ही बड़े की तरफ होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखें, वह छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, तो 10 का पावर हम कैसे लिखें? क्या हम 10 का कोई भी पावर लिख दें? नहीं, उन्होंने कुछ प्रीफिक्सेस रिकमेंड किए कि जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड्स को लिखें, वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, तो कुछ खास 10 के पावर्स के मल्टीपल के रूप में उसको लिखें, और इसको हम बोलते हैं SI प्रीफिक्सेस। तो देयरफॉर क्या किया, देयरफॉर CGPM जो संस्था थी, CGPM जिसने SI यूनिट को इंट्रोड्यूस किया इंटरनेशनल लेवल पे बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा, उन्होंने ही, इसी संस्था ने देयरफॉर CGPM रिकमेंडेड सम प्रीफिक्सेस एज पावर्स ऑफ 10 के पावर्स के रूप में हम कुछ प्रीफिक्स लगाकर इन अलग अलग मैग्नीट्यूड्स वाले मैग्नीट्यूड्स फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड्स को लिखें। और ये पावर्स क्या हैं, तो इन कौन कौन से पावर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, इसकी अगर हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं SI प्रीफिक्सेस। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से SI प्रीफिक्स CGPM ने रिकमेंड किया। तो SI प्रीफिक्स में अगर हम इसकी एक लिस्ट बनाना चाहें तो हम इसकी लिस्ट एक ऐसे ढंग से हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे SI प्रीफिक्सेस में? पावर्स ऑफ 10, 10 का पावर किस रूप में लिखा जाएगा, उसका नाम क्या देंगे हम लोग, नेम क्या होगा, पढ़ेंगे क्या उसको, उस प्रीफिक्स को, और साथ में इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा। तो पहला जो पावर था, उन्होंने कहा क्या कि पहला पावर हम यूज करेंगे 10 का पावर माइनस 1, दूसरा पावर क्या होगा, फिर 10 का पावर यूज करेंगे 10 का पावर माइनस 2, 10 का पावर माइनस 3। अब 10 का पावर माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 ये कंटिन्यूअस हैं, लेकिन इसके बाद अगर कोई प्रीफिक्स यूज करना है तो 10 टू द पावर माइनस 4 ना करें। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट प्रीफिक्स रिकमेंड किया कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के साथ इसको लिख सकते हैं, वो नेक्स्ट क्या होगा, वो 10 टू पावर माइनस 4 नहीं होगा, वो होगा 10 टू द पावर माइनस 6, उसका नेक्स्ट 10 का पावर माइनस 9, उसका नेक्स्ट 10 का पावर माइनस 12, और उसका नेक्स्ट 10 का पावर माइनस 15, और उसका नेक्स्ट 10 का पावर माइनस 18। ये उन्होंने प्रीफिक्सेस बताए। 10 का पावर माइनस 1 को नाम दिया गया डेसी, इसका नाम दिया गया सेंटी, 10 टू पावर माइनस 3 का नाम दिया गया मिली, 10 टू पावर माइनस 6 का नाम दिया गया माइक्रो, और 10 टू पावर माइनस 9 को हम पढ़ते हैं नैनो, 10 टू पावर माइनस 12 को पढ़ते हैं पीको, 10 टू पावर माइनस 15 को पढ़ते हैं फेम्टो और फर्मी, और 10 टू द पावर माइनस 18 जो प्रीफिक्स यूज होगा उसका नाम दिया ऑटो, और इनके सिंबल्स भी बताएंगे कि क्या सिंबल यूज करना है। 10 टू द पावर माइनस 1 नाम रहेगा डेसी और सिंबल रहेगा डी, 10 टू पावर माइनस 2 सेंटी, इसका सिंबल होगा स्मॉल सी, 10 टू पावर माइनस 3 नाम रहेगा मिली, पढ़ा जाएगा मिली और सिंबल रहेगा स्मॉल एम, चौथा जो प्रीफिक्स था वो था 10 टू द पावर माइनस 6,
इसका नाम दिया गया माइक्रो और इसके लिए सिंबल यूज किया गया म्यू। म्यू कैसे लिखते हैं, यू और इसमें इस तरह से आप बनाइए और इसको पढ़ते हैं हम लोग, अगर हिंदी में पढ़ना चाहें उच्चारण करना चाहें तो म्यू या फिर एम यू बोलते हैं म्यू। 10^-9 जो प्रीफिक्स यूज होगी इसको हम पढ़ते हैं नैनो, इसका नाम दिया गया नैनो और इसका सिंबल यूज किया गया स्मॉल एन। 10^-15 इसको नाम दिया गया पीको, इसका सिंबल यूज किया गया पी। 10^-15 को लिखा गया फैमटो या फिर फर्मी और इसको पढ़ा गया एफ एम या सिंपली एफ लिखते हैं फर्मी। और 10^-18 को लिखा गया ऑटो और ऑटो पढ़ते हैं AOO ऑटो और इसके लिए सिंबल यूज किया गया स्मॉल। ये तो पावर्स ऑफ 10 हो गए निगेटिव वाले में। उसी तरह से जब मैग्नीट्यूड्स हायर रेंज के होते चले जाते हैं तब 10 के जो पावर्स यूज होंगे प्रीफिक्स में वो पॉजिटिव पावर्स में होंगे और कुछ पॉजिटिव पावर्स टेंस के क्या होंगे इसको भी CGPM ने रिकमेंड किया। तो चलिए देखते हैं हम लोग 10 के पावर्स जो पॉजिटिव में हैं। तो एक लिस्ट हम इसकी बनाएंगे, SI प्रीफिक्सेस पावर्स ऑफ 10 नेगेटिव वाले हो गए। अब आइए पावर्स कौन से होंगे, पावर्स ऑफ 10 कैसे लिखे जाएंगे, दूसरा इनका नाम क्या होगा, नेम क्या रहेंगे और तीसरा इसके सिंबल्स क्या होंगे, इनके सिंबल्स क्या होंगे, पावर्स ऑफ 10 नेम एंड सिंबल्स क्या होंगे। तो पावर्स क्या होंगे, देखिए ये पावर सारे के सारे नेगेटिव हैं, इनको सारे को पॉजिटिव में हो तो क्या करेंगे, पहला जो पावर 10 का लिखा जाएगा 10^1, फिर दूसरा लिखा जाएगा 10^2, तीसरा क्या लिखा जाएगा 10^3, चौथा क्या लिखा जाएगा 10^3। अब 4 नहीं लिखा जाएगा, किस तरह का प्रीफिक्स यूज करना चाहिए हमें, 10^6, उसके बाद 10^ कौन सा 7 नहीं 8 नहीं, क्या यूज किया जाना चाहिए 10^9, फिर कौन सा 10 नहीं 11 नहीं 12, फिर कौन सा पावर 10^15 और 10^18। इन्हीं पावर्स को प्रीफिक्स के रूप में हम लिखेंगे कब, जब एक मैग्नीट्यूड का रेंज बहुत बड़ा होता चला जा रहा हो। तो अब 10^-1 का नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया डेसी, यहाँ नाम दिया गया डेका, ये सेंटी, इसको हम बोलते हैं हेक्टो। 10^-3 का नाम दिया गया किलो, 10^6 का नाम दिया गया किलो मेगा, 10^9 का नाम दिया गया गीगा, 10^12 का नाम दिया गया, इसी तरह से इसके नाम 13, 10^12 का नाम दिया गया 13, TERA 13, 10^15 का नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया पेटा, और 10^18 का जो नाम दिया गया इसको पढ़ते हैं एक्सा। ये पावर्स हैं और इनके कोरस्पॉन्डिंग नेम्स हैं। अब इनके सिंबल क्या यूज करने हैं, डेका के लिए यूज करना है DA, हेक्टो के लिए यूज करना है स्मॉल H, ये हो जाएगा किसके लिए हेक्टा के लिए, तीसरा हो गया किलो, किलो के लिए कैपिटल K, मेगा के लिए कैपिटल M मेगा, गीगा के लिए कैपिटल G, टेरा के लिए कैपिटल T, पेटा के लिए कैपिटल P और एक्सा के लिए कैपिटल E। तो CGPM ने
ये रिकमेंड किया कि जब फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड्स के रेंज अलग अलग हों, तो जब वो छोटे रेंज के हों तो उनको लिखते वक्त उनको दशमलव में नहीं लिखेंगे, उनको हम 10 के पावर्स के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे, और 10 का पावर क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और उन्होंने कौन कौन से पावर्स यूज करने का रिकमेंड किया, 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, ये कॉन्टिन्यूस होंगे, और फिर तीन तीन के गैप पर -6, -9, -12, -15, -18। यहाँ तक आते आते हम जितने भी मैग्नीट्यूड्स हो सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के, वो इन प्रीफिक्सेस की सहायता से लिखे जा सकते हैं। बड़ी वाले जो रेंज होंगे उनको लिखने के लिए जो पावर्स होंगे वो रिकमेंड किया गया था, और वो है 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3। ये पहले तीन कॉन्टिन्यूस होंगे और बाकी के तीन तीन के इंटरवल पर होंगे। कौन कौन से, 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 3 के बाद 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 12, 10 टू पावर 15, 10 टू पावर 18। अब आगे जब भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के जो मैग्नीट्यूड्स होंगे उनके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे उनको हम, वो छोटे हों या बड़े हों, उनको इन्हीं पावर्स के प्रीफिक्सेस के रूप में हम लोग लिखेंगे, इन्हीं के मल्टीपल्स के रूप में लिखेंगे। दिस पावर्स ऑफ 10 आर कॉल्ड SI प्रीफिक्सेस।